यूपी सब की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि जो 62,000 पारा शिक्षक हैं इसका 99.9% खांटी झारखंडी है, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं लोग। हम नियम कानून कायदा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जब 3.5 वर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष थे और जब घूम रहे थे पूरे झारखंड के कोने कोने में अपने चुनावी अभियान में, उस समय आप ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने में हम वेतन मान देंगे। कैसे दीजिएगा आप समझिए, आपका समस्या है। कोई भी तरह का आप बात करते हैं, इनके अधिकारी जो हैं वो बात करते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू है, आप समझिए, फ्लोर पर ले जाइए, विधानसभा आपके पास है, नियम कानून में संशोधन करिए। जो लोग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई नियम कानून हम नहीं जानते, आप वेतन मान कैसे दीजिएगा? 62,000 लोग को वेतन मान चाहिए। हम लोग कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है ना, हम लोग कोई बांग्लादेश से नहीं आके प्रदर्शन कर रहे हैं ना। इसी राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालय में जो केवल ट्रेंड युवा है, आप उसको 5200 से 20,000 का वेतन मान दे दे रहे हैं। नियमावली बनने के बाद एक भी आश्रित को नौकरी नहीं मिला, क्योंकि उस नियमावली में लोगों ने ऐसा पेच फंसा दिया कि जिनके आश्रित ट्रेंड हो टेट हो, हम कहते 2016 से आज तक टेट का परीक्षा ही नहीं हुआ, तो टेट पास कहां से होंगे? उस नियमावली को सरकार को शिथिल करना पड़ेगा, उसके आश्रित को बिना टेट का जो ट्रेंड है या जो ट्रेंड नहीं है उनको शिक्षा विभाग में बहुत तरह का नियुक्ति है। यदि सरकार की मंशा सही रही तो उसको आश्रित को नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन आज तक एक भी आश्रित को नहीं देना बहुत दुखद बात है। साथ साथ और जो ईपीएफ था, ईपीएफ अभी तक लागू नहीं हुआ और अभी 2023 है, 2022 जनवरी फरवरी में ही नॉन टेट हो चाहे टेट हो सब पर वेतनमान की चर्चा करनी थी मुख्यमंत्री के समक्ष, लेकिन नहीं हुआ। और ये भी याद दिला रहे हैं कि झारखंड में बिहार में जो सीटेट को मान्यता मिला है, सीटेट केंद्र सरकार द्वारा हर साल परीक्षा हो रही है, आप टेट का परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो सीटेट हमारा जो सहायक अध्यापक है उनको तो मान्यता मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें नहीं लगता है कि ये आज के बाद वो मतलब जगेंगे नहीं, इसलिए कि हम लोग जगाने आए हैं और आज हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, चूँकि हम लोकतांत्रिक ढंग से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए हैं। लोग अपने मांग के समर्थन में पहुंचे हुए हैं, प्रशासन को हम लोग भी सहयोग करेंगे, प्रशासन भी हमारी सहयोग करे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखना हम लोगों का फर्ज है। ये सरकार बनी, माटी की सरकार बनी, इन्होंने चुनावी जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें कही, बेचारा पारा शिक्षकों के लिए अगर मेरी सरकार बनती है तो वेतन मान मैं दूंगा। आज 4 साल होने चला, आज स्वर्गीय जगन्नाथ दा हम लोग के बीच नहीं है, उनके पहल से एक छोटा सा नियमावली बनी, नियमावली के कुछ अंश ऐसे हैं जिसको आज तक विभाग अभी तक उसको लागू नहीं किया है। आज हमारे यहाँ जो शिक्षक मर जा रहे हैं उनके परिजन को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस वक्त बात हुई थी ईपीएफ की लाभ देने के, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, वेतनमान पर बात जारी रहेगी वो अभी तक पहल नहीं किया गया है। ये मेरे लिए एक आज का आंदोलन व्यवस्था है, और चूंकि हेमंत सोरेन जी को सिर्फ वादा याद कराने के लिए आज राज्य के सहायक अध्यापक जुटे हैं कि आपने जो चुनाव के समय वादा किया था कि राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे वो दीजिए। अल्पसंख्यक विद्यालय में प्रशिक्षित हैं बिना परीक्षा लिए उनको वेतनमान आप दे दिए, और आज हम लोग 20 साल से सेवा कर रहे हैं, टेट पास हैं, उसके बाद भी हमारे वेतनमान के लिए आप आचार्य परीक्षा की परीक्षा लीजिएगा, ये राज्य के सहायक अध्यापक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तमाम 62,000 को किस तरह से वेतनमान दीजिएगा? आप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, आप तय कीजिए। आज आपको सिर्फ हम वादा याद कराने आए हैं, अगर आप मेरी वादा को याद कर लेते हैं मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अगर नहीं देते हैं तो आगे पुनः फिर आंदोलन के लिए आगे बढ़ूंगा। जहाँ जहाँ अपना सभाएं किए माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ वहाँ बोले जब मेरी सरकार बनेगी तो सहायक अध्यापकों को उस समय के पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। स्वर्गीय जगन्नाथ दा पर भरोसा था सहायक अध्यापकों का, आज 3 वर्षों तक इसी का परिणाम है जो हम लोग किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं किए।
माननीय मुख्यमंत्री को वादा दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप प्रत्येक सभा में कहे हैं कि आपको बेतलबान मेरी सरकार बनेगी तो मिलेगा, रास्ता आपको अपनाना होगा, राज्य के समस्त पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापकों को आपको बेतलबान देना होगा और अन्यथा अब आज से आपका विरोध शुरू हो गया है और जब तक आप बेतलबान नहीं देते हैं आपको इसका भुक्तभोगी भी होना होगा और सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा। हमारे पारा शिक्षक भाई अपना अधिकार मांगते मांगते बेचारा 50-60 पारा टीचर मारा गया, आज उसका परिवार भीख मांगने की स्थिति पर है। पता नहीं होगी किसी दिन भुखमरी से आत्महत्या न करी, चिंता सताता रहता। और हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी सभी सेवा शर्तों के साथ और उनके जो मानदेय और उनका जो वेतन मान हम लोग उसके लिए लागू करेंगे। विभाग का बैठक हम लोग के साथ होना चाहिए क्योंकि वेतनमान वो छोटा चीज नहीं है, इसलिए पूरा हमारा जो सहायक अध्यापक उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है सबों से मेरा आग्रह होगा कि फिर कुछ दिन के बाद आप रांची आने के लिए तैयार रहें। आपको वेतनमान का प्राप्ति करना है एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा पर विश्वास करना पड़ेगा और झारखंड में कौन सा संगठन हमारा चला चपाटी लोग कुछ बना लिया है तो सब कहना में नहीं चलना है। हमने बहुत पहले ही कहा था जब एकीकृत मोर्चा का विनोद बिहारी महतो का पैर कदम चलता है आपको हासिल होता है और मुंह का वही बैनर दिलाएगा आपका मान सम्मान आपका अरमान आपका उद्देश्य सब पूरा करेगा। सहायक अध्यापक